हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देख रहे हो, HSSC ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती ज्वाइनिंग को लेकर भाई धरना प्रदर्शन बच्चों ने किया था, और CET जो एग्ज़ाम है उसकी आंसर की को लेकर भाई एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है। तो ये सभी क्या मामला चल रहा है वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं भी हरियाणा ITI अनुदेशक मामला, पहले रिजल्ट में देरी, अब ज्वाइनिंग में देरी, चयनित युवाओं ने धरना दिया। तो हरियाणा ITI अनुदेशक यानी ITI इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भाई चयन सूची जारी करने के लिए लंबा इंतज़ार उनको करना पड़ा और उसमें देरी हुई, आप सभी को पता भी है। अब चयन सूची जारी हुई तो ज्वाइनिंग में देरी हो रही है और ITI अनुदेशक ने वीरवार को पंचकुला स्थित हरियाणा कौशल भवन में क्या है धरना दिया, और उन्होंने बताया कि परिणाम जारी होने के बाद दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा हो चुका है और 4 महीने से ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। चयनित उम्मीदवारों ने बताया कि 10 साल से यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है और पहले भर्ती प्रक्रिया रद्द हो चुकी है और अब दोबारा शुरू हुई है, तो उसमें भाई परिणाम जारी हुए तो विभाग उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था, भाई दिवाली से पहले हम आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे, मगर दिवाली बीत गई ज्वाइनिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा कि चयनित युवा परेशान है और साथ ही मुख्य सचिव कार्यालय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और विभाग के चक्कर काट कर वे थक चुके हैं, मगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और उन्होंने मांग की है कि उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये भी अच्छी बात है एक आप सभी के लिए, आपने इतनी मेहनत करी है तो आपकी जो न्यूज़ है वो भाई आपकी न्यूज़पेपर के अंदर है आई है, ठीक है। इससे कुछ ना कुछ भाई ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं, मतलब 19-20 आप मान सकते हैं, कुछ ना कुछ भाई इससे न्यूज़ से फ़र्क पड़ने वाला है। जो इस भर्ती से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं भाई उनको भी ये लगेगा भाई हाँ अभी हमें ज्वाइनिंग है लेनी है, तो भाई कुछ अगली बार अगर आप कुछ भी काम करोगे तो मिलजुल कर एक आपका जो मिलजुल कर अगर काम करोगे तो भाई सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। ये थी भाई एक न्यूज़ आपकी, और ये है आपका ग्रुप सी की भर्ती में सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों का 2 बार मिलेगा लाभ, यानी CET जो भी आपका हुआ है उसके अंदर 5 नंबर और जो आगे दूसरा सेकंड पेपर होगा उसके अंदर आपको 2.5 अंक है वो दिए जाएंगे, और आंसर की अगर बात की जाए तो वो भाई जल्द आने के आसार है। NTA जल्द CET का आंसर की जारी कर सकती हैं और इस सप्ताह में कभी भी जारी किए जाने की संभावना है, और आसार आंसर की जारी होने के बाद परीक्षार्थियों से ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि अभी तक आयोग के पास किसी भी परीक्षार्थी ने किसी की तरह की शिकायत नहीं की है कि तकनीकी कारणों से उसका पेपर नहीं हो पाया। यदि कोई परीक्षा ऐसा करता है तो उसकी जानकारी सीधे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दे दिया जाएगा। और एक बात यहाँ पर भाई आपकी ये बात आपकी नोट करने वाली है भाई, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 7.5 लाख बच्चे हैं जो भाई इस परीक्षा के अंदर बैठे थे, इसमें से 15% से 20% जो परीक्षार्थी हैं उनको यह लाभ मिलेगा। कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनकम वाला जो मसला है अभी चला हुआ है फैमिली आईडी वाला, तो उस वजह से काफ़ी परीक्षार्थी तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं इस मामले से, क्योंकि इनकम का उन्होंने 1,80,000 मांगा है तो उससे इनकम अगर ज़्यादा है तो भाई आपको ये लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो ये थी अपडेट भाई आंसर की जल्द जारी हो सकती है, दोनों अपडेट भाई आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।